हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक वर्मा एंड वेलकम टू आवर चैनल विद्या स्थली वाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेकर आए हैं क्लास 8 ज्योग्राफी सिविक्स एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज का 8th वीडियो लेक्चर। जी हाँ, इसके पहले इस ज्योग्राफी के थर्ड चैप्टर मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज का हम 7 वीडियो लेक्चर ला चुके हैं, जिसमें हमने मिनरल्स के टाइप्स, मिनरल्स के डेफिनेशन, मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन, मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन, मिनरल का यूज, साथ ही साथ इन सब मिनरल्स के टाइप्स के और साथ ही साथ पावर रिसोर्सेज के इंट्रोडक्शन की बात की थी। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है, जो कि कन्वेंशनल टाइप के और नॉन कन्वेंशनल। जो हमने पावर रिसोर्सेज के दो टाइप पढ़े थे, उसमें से हम सबसे पहला टाइप यानी कि कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो पारंपरिक है, उसमें से हम सबसे पहले कोल और पेट्रोलियम की बात आज करने वाले हैं। इसके पहले हम पायरू की बात कर चुके हैं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कोल और पेट्रोलियम की। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस अमेजिंग वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोल और पेट्रोलियम की। इसके पहले वीडियो लेक्चर में हम फायरवुड की बात कर चुके हैं। हमने देखा कि जो जलाऊ लकड़ी में मिलती है जंगल से, उसका इस्तेमाल हम करते हैं खाना बनाने में या दूसरे कामों में, एनर्जी जनरेट करने में। इंडिया के 50% लोग जो रूरल एरियाज में हैं, उन्हें क्या मिलती है, इसी से एनर्जी मिलती है, तो इसकी बात हमने की थी। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि फायरवुड का एडवांटेज क्या है, साथ ही साथ फायरवुड का डिसएडवांटेज क्या है। हमने देखा कि फायरवुड इजिली अवेलेबल है, फायरवुड ज़्यादा लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करता है। फिर हमने डिसएडवांटेज में देखा कि फायरवुड क्या है, उसको कलेक्ट करने में बहुत टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरा कि इससे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, डिफॉरेस्टेशन भी होता है ना। तो ये सारी बातें हमने पढ़ी थी, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं हमारे दूसरे कन्वेंशनल टाइप के सोर्सेस यानी कि कोल और पेट्रोलियम के बारे में, फॉसिल फ्यूल के बारे में ना, इसकी बात हम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर फॉसिल फ्यूल्स की, कि फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं। जी हाँ, फायरवुड के बाद जो कन्वेंशनल सोर्सेज का दूसरा टाइप है वो क्या है, फॉसिल फ्यूल्स। तो ये फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं उसकी बात हम करते हैं। देखिए होता क्या है फॉसिल फ्यूल क्या, पहले आपको थर्टी की समझा दें कि कहानी जैसा कि फॉसिल फ्यूल मतलब क्या। जब भी प्लांट और एनिमल मर जाते हैं ना, तो जमीन के नीचे जब दब जाते हैं तो क्या होता है, जमीन के नीचे बहुत थोड़ा नीचे दब गए तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में मिलियंस ऑफ ईयर्स में वो काय बदल जाते हैं, पेट्रोल डीजल में बदल जाते हैं, यानी गाढ़ा कलर का एकदम काला लिक्विड या फिर कोयला बन जाएगा वो, है ना। द डेड एंड डिकेइंग रिमेनिंग्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बरीड इन टू अर्थ एंड गेट कन्वर्टेड इन टू फॉसिल फ्यूल्स अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी कोई भी चीज़ जो लिविंग चीज़ है, यानी कि प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे, पत्थर नहीं है ना, तो नॉन लिविंग हो गया। तो जब लकड़ी वाला हो गया, पत्थर तो नहीं, जो कि वो नॉन लिविंग है, उसमें जान नहीं है, वो ऑर्गेनिक चीज़ नहीं बोलेंगे उसको ना। तो जो भी चीज़ क्या है लिविंग चीज़ है ना, जैसे कि प्लांट्स एनिमल्स हैं, जब ये जमीन नीचे दब जाते हैं मर जाने के बाद, तो क्या होता है, बहुत लंबे समय तक दबे रहेंगे नीचे तो खूब हाई टेम्परेचर, खूब प्रेशर मिलेगा, तो काय में कन्वर्ट हो जाएंगे फॉसिल फ्यूल्स में। ये मिलियंस ऑफ ईयर्स की बात कर रहे हैं हम, एक दो तीन साल की बात नहीं है, हजारों साल की नहीं, मिलियंस ऑफ लाखों ईयर्स की बात है, मिलियंस ऑफ ईयर्स की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है जैसे अर्थक्वेक आया तो ऊपर की लैंड नीचे चली गई, तो जो भी पेड़ होंगे सब नीचे चले गए, दबे होंगे, अर्थ के अंदर की हीट उनको बहुत प्रेशर से आई होगी, बहुत प्रेशर, बहुत टेम्परेचर रहा, जिसकी वजह से वो काय में कन्वर्ट हो गया, फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो गया। तो यही तो कह रहा था फॉसिल फ्यूल्स। चलिए हम डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन जो उसकी बात करते हैं। द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, रिमेन्स मतलब बचा खुचा ना, रिमेन्स मतलब छूट गया, बचा हुआ, ठीक, मरने के बाद। द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर बरीड अंडर अर्थ, बरीड मतलब दबा होना, विच आर बरीड अंडर अर्थ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, ध्यान रखिए फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स गेट कन्वर्टेड, काय में बदल जाता है, गेट कन्वर्टेड इनटू फॉसिल फ्यूल्स, लेकिन किस कंडीशन में, अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, याद रखिएगा, अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट बरीड अंडर अर्थ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स गेट कन्वर्टेड इनटू फॉसिल फ्यूल्स ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, इसमें बहुत कन्वर्ट हो जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स में। तो यही है फॉसिल फ्यूल्स, आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, एक्सेट्रा, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यही क्या है, फॉसिल फ्यूल्स है, इसकी बात हमने की है। और एक बात कि फॉसिल फ्यूल्स जो है वो क्या है, रिजर्व्स और आर इन लिमिटेड अमाउंट। जी हाँ, बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में। पहली बात तो जितना बना होगा मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ पहले, उतना हम इस्तेमाल करें फटाफट, बनने में तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लग रहा है, इसको इस्तेमाल करने में बहुत कम टाइम लग रहा है ना, तो हम जल्दी जल्दी क्या कर देंगे, इसको खत्म कर देंगे, यानी कि हमारे लिए क्या है, लिमिटेड है, फिक्स है, है ना, और ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, नॉन रिन्यूएबल है भाई, नॉन रिन्यूएबल मतलब फिर से बनने वाला थोड़ी है, मिलियंस ऑफ ईयर्स रहेंगे, मिलियंस तक जिंदा रहेंगे क्या, हम नहीं। जैसे अभी हमारी पॉपुलेशन इंडिया की 130 करोड़, तो 130 करोड़ लोग अगर इंडिया का सारा फॉसिल फ्यूल खत्म कर देंगे भाई, इतना इस्तेमाल कर रहे हैं, इतना जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इतने व्हीकल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज चल रही हैं, तो क्या करेंगे, फटाफट मिनरल खत्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे तो फिर बनने में और कितना टाइम लगेगा भाई, फॉसिल फ्यूल बनने में कितना टाइम लगेगा, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाएगा ना। तो क्या हम लोग ये मिलियंस ऑफ ईयर जिंदा रहेंगे, 130 करोड़ नहीं रहेंगे, तो हमारे लिए क्या हो गया, नॉन रिन्यूएबल, फिर से तो नहीं बनने वाला हमारे लिए भाई, जिनके लिए बनेगा फ्यूचर में बनेगा, हम लोग के लिए थोड़ी बनेगा, हमारे लिए क्या हो, नॉन रिन्यूएबल है। और तो और इसका जो ओवर कंजम्पशन, जरूरत से ज़्यादा जो इस्तेमाल है
वो इन मिनरल्स को धीरे धीरे क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है। ओवर कंजम्पशन बाय पॉपुलेशन, हमारी बढ़ती हुई जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है वो क्या कर रही है, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रही है किसको, फॉसिल फ्यूल्स को, जिसकी वजह से फॉसिल फ्यूल्स खत्म होने की कगार पर आ गया ना। ऐसा डर है कि वो खत्म हो जाएंगे क्योंकि हम जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा ही नहीं रहे, तो ये हमारे लिए नुकसानदायक है, खतरे की घंटी में ध्यान रखना है। तो ये आपके सामने फॉसिल फ्यूल्स की परफेक्ट डेफिनेशन है और एग्जाम्पल्स है, तो इसको आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। अब हम इसके बाद बात करिए कोल की, जी हमारा जो अगला टॉपिक है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का, वो क्या है, कोल। स्टूडेंट्स लेट अस डिस्कस अबाउट द फर्स्ट कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज कोल। जी हाँ, जो पहला कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है प्रोमिनेंट मेन, वो क्या है, कोल है। फायरवुड भी है बट सबसे ज्यादा मेन क्या है, कोल है, उसकी हम बात कर रहे हैं एनर्जी सोर्स की। तो कोल को डोमेस्टिक फ्यूल भी कहते हैं, घरेलू ईंधन इसे कहा जाता है, अधिकतर लोग इसका इस्तेमाल ही करते हैं कोल का। जी हाँ, जो कपड़े प्रेस करने वाले रहते हैं, इस्त्री करने वाले होते, देखना होगा अपनी दुकान में भी कोयले से प्रेस करते हैं, साथ ही साथ कोयले से अमीठी जला जाती है, भट्टी जला जाती है। जो लोहार होता है ना, जो लोहे का सामान वगैरह बनाता है गर्म करे, देखना भट्टी जलाता है, वो भी कैसे कोयले से, तो ये कोयले का इस्तेमाल होता है। जो मूर्तियां बनाते हैं वो अपनी भट्टी जलाते हैं, तो उतना पिघलाते हैं कैसे उस मेटल को मूर्ति बनाने के लिए, उस कोयले से ही, ठीक है। इट इज यूज इन होम्स इंडस्ट्रीज, कोयला जो है घरों में इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है। घरों में हम क्या करते हैं, वही प्रेस के लिए या फिर अंगीठी जलाने के लिए, हीटर जलाने के लिए, पानी गर्म करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, कोयले का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा तंदूर जो ग्रिल होता है ना, जिसमें ग्रिल किया जाता है, भुंजा जाता है, वो भी कैसे, उसमें भी कोयला ही फ्यूल के रूप में जलाते हैं। देखते हैं जाली के ऊपर ऐसा फूड रख देते हैं और नीचे वो आग जलती रहती है कोयले में, ठीक। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज कॉल्ड थर्मल पावर, जी हाँ, कोयले से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है उसे क्या कहते हैं, थर्मल पावर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, थर्मल पावर। हम आपको बताते हैं कैसे की जाती है। आपने देखा होगा ऐसा बड़ा सा टावर जैसा होता है, गुंबद जैसा, है ना, ऐसा नीचे जमीन बना होता है, ऐसा गुंबद जैसा सब बना होता है, ठीक, और इसमें से धुआं निकलते रहता है, देखा होगा आपने, ठीक, कहीं ना कहीं देखा होगा थर्मल पावर प्लांट, ठीक। यहाँ सावनेर के पास, कोराडी के पास ही है, देखा होगा आपने अगर गए हो तो महाराष्ट्र में, ठीक। तो क्या होता है, यहाँ पर ऐसा नीचे कोयला जलाते हैं, गर्म करते हैं, ठीक, और यहाँ बीच में भरा होता है पानी, क्या भरा होता है, पानी, वाटर भरा होता है। तो जब कोयला गर्म होगा तो पानी अपने आप क्या बनेगा, भाप बनेगा, हीट में कन्वर्ट, और वेपर में, गैस में बनेगा। फिर यहाँ बीच में क्या करते हैं, ऐसी मोटर लगाई जाती है, मोटर। तो जब गैस ऊपर उठती है, आपको पता है कोई भी गैस हमेशा ऊपर जाती है, प्रॉपर्टी है गैस की, गैस हमेशा ऊपर जाती है। तो गैस जब ऊपर जाएगी तो जहाँ पे जो ब्लेड लगी है, फैंस, वो मोटर जो लगी है जनरेटर, वो घूमेगी गोल गोल, और घूमने से क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रिसिटी। क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको बोलते हैं थर्मल पावर। थर्मल मतलब क्या, थर्मल वर्ड का मतलब है हीट। हमने कोयला गर्म किया, जलाया, तो हीट पैदा हुई ना, एनर्जी प्रोड्यूस हुई, पानी को गर्म करके हमने भाप बनाया और भाप से एनर्जी जनरेट की, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की। तो इसको क्या बोलते हैं, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल पावर। जी हाँ, इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज कॉल्ड थर्मल पावर, इसको थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं, ये आपने देखा होगा, ठीक। तो इस तरह से एनर्जी जनरेट की जाती है, किससे, कोल से। तो ये आप समझिए होंगे कोल से एनर्जी जनरेट कैसे की जाती है। हम दूसरा देखते हैं, तो इसको रेफर्ड एज बरिड सनशाइन, इसको बरिड सनशाइन बोलते हैं ना, दबा हुआ सनशाइन, चमकदार ना, बहुत काम का है ना, काला है लेकिन बहुत काम का है। इसको ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं, क्या कहते हैं इसे, ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं कोल को। इट इज रेफर्ड एज बरिड सनशाइन, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में कोल के जो लीडिंग प्रोड्यूसर्स है पूरे वर्ल्ड में कौन है, चाइना, यूएसए, इंडिया, है ना, जर्मनी, फ्रांस, यूके, जैसे जो भी है सर, बड़े बड़े कंट्रीज है। इंडिया रैंक करता है थर्ड नंबर, जी हाँ, पूरे वर्ल्ड में इंडिया का रैंक थर्ड है किसमें, कोल प्रोड्यूस करने में, कोयला उत्पादन में। भारत का जो रैंक है, स्थान है पूरे विश्व में, तीसरा स्थान है। तो इस तरह से हमने बात की है कोल की। अब हम बात कर लेते हैं कि कोल का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। जी हाँ, कोल के जो फायदे हैं, कोल के जो नुकसान है, उसकी हम बात करेंगे। जैसे हमने फायरवुड का कंपेयर किया था एडवांटेज डिसएडवांटेज, वैसे हम कंपेयर करेंगे कि कोल का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। उसके पहले आपको ये तो क्लियर होगा कोल डोमेस्टिक फ्यूल है, ठीक है। दूसरा, कोल कहाँ इस्तेमाल होता है, होम्स में, इंडस्ट्रीज में। किस लिए इस्तेमाल होता है, एनर्जी जनरेट करने के लिए, पानी गर्म करने के लिए, खाना बनाने के लिए, ये सब के लिए कोयले का इस्तेमाल होता है। तीसरी बात, कोयले से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे हम क्या कहते हैं, थर्मल पावर कहते हैं। इट इज नोन एज थर्मल पावर। कैसे वर्क होता है, क्या प्रोसेस है, यहाँ पर हमको समझा दिए, इसको थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं। और इसको रेफर करते हैं बर्ड सनशाइन, कारण काला सोना बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं इसको, ठीक। और लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कोल, यानी कोल के जो लीडिंग प्रोड्यूसर है, सबसे ज्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है, तो इसमें चाइना, यूएसए, इंडिया, जर्मनी, फ्रांस, है ना, ऐसे स्टेट, ऐसे कंट्रीज हैं जो लीडिंग प्रोड्यूसर, जिसमें इंडिया का रैंक कौन सा था, थर्ड इन द वर्ल्ड। तो चलिए हम बात करते हैं कोल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। तो स्टूडेंट्स चलिए हम देखते हैं कि कोल के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। जी हाँ, कोल के जो डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस है, फायदे क्या है, नुकसान क्या है।
कोई भी चीज़ आप जब इस्तेमाल करते हैं तो उसका एक अच्छा पहलू होता है कि उससे फायदा मिल रहा है, बट उसका एक साइड इफेक्ट यानी नुकसान भी होता है, तो उसकी हम बात करने वाले हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कोल, उसकी बात हम करने वाले हैं। देखिए एडवांटेज का मतलब क्या होता है, फायदा। सबसे पहली बात कि कोयला जो है वो बहुत ज्यादा मिलता है, अवेलेबल बहुत है, एक्सटेंसली अवेलेबल है, एक्सटेंसिवली मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में, ऐसा नहीं कि बहुत कम है पेट्रोल डीजल की तरह, बहुत ज्यादा है, दूसरे फायरवुड से भी ज्यादा है, क्या है, बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली अवेलेबल है। कौन? कोल। जी हाँ, उसको आसानी से मिल जाता है, वो सस्ता मिल जाता है कोयला, है ना। कोल की क्वालिटी भी होती है अलग अलग टाइप की, आपको हाई क्लासेस में पढ़ने मिलेगी कोल अलग टाइप का होता है, एंथ्रासाइट है ना, सिडराइट, पीट, लिग्नाइट, ऐसे टाइप होते हैं, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, फिर सिडराइट और पीट, ऐसे चार क्वालिटी के कोल होते हैं। सबसे अच्छा एंथ्रासाइट होता है, बहुत एनर्जी देता है, कुछ भी धुआं प्रोड्यूस नहीं करता। सबसे खराब होता है पीट, वो सबसे कम एनर्जी देता है, बहुत ज़्यादा धुआं प्रोड्यूस करता है, बहुत राख प्रोड्यूस करता है। तो कोल के टाइप्स हो है ना, इन सब के बारे में आपको पढ़ने मिलेगा। अलग अलग टाइप के कोल मिलते हैं, उनकी अलग अलग कीमत होती है, वो अलग अलग एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, है ना, अलग अलग ज़्यादा या कम पॉल्यूशन भी करते हैं। तो वैसे ही तो कोयला जो है, इसका पहला फायदा क्या है कि ये एक्सटेंसिवली अवेलेबल है, क्या है, बहुत ही एक्सटेंसिवली आसानी से उपलब्ध है। दूसरी बात कि इससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना, इससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है बहुत ज़्यादा है, यानी इफेक्टिव इन इलेक्ट्रिक प्रोड्यूशन, प्रोड्यूस इफेक्टिव इन इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन, है ना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करने में सबसे ज्यादा फायदेमंद यही है। इंडिया में सबसे ज्यादा जो बिजली बनती है इलेक्ट्रिसिटी किसके दम पर बनती है, कोयले से, यानी आज भी एनर्जी जनरेट करने का सबसे मेन सोर्स हमारे लिए क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का कोयला है। तो फायदे हैं कोल के, कोल क्या एक्सटेंसिवली बहुत अमाउंट में बहुत सारा है, बहुत सारा अवेलेबल है, भर भर के ट्रकों में जाता है, आपने देखा होगा ट्रेन में भर के जाता है कोयला, एक के पीछे एक डब्बे में ना, खदानों से, माइन से। दूसरा कि ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में, जी हाँ, जितने भी मेथड से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है ना, उन सब में सबसे अच्छा और सबसे इफेक्टिव मेथड कौन सा है, कोयले का, कोयला ही है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। तो यहाँ पर हमारे दो एडवांटेज कोल के, कौन से दो एडवांटेज, सबसे पहला कि एक्सटेंसिवली अवेलेबल, इस वर्ड का मतलब समझिए, एक्सटेंसिवली यानी ढेर, बहुत सारा, भर भर के बहुत सारा कोयला अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि खत्म नहीं होगा, होगा बहुत सारा है, खत्म भी होगा पर ढेर सारा इस्तेमाल करेंगे, बट हाँ लंबे समय तक चल सकता भी, बहुत सारा भर के, ठीक, तो एक्सटेंसिवली अवेलेबल है। दूसरी बात, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो कोयले से बनती है बहुत ज़्यादा है, यानी कि कोयले से ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हमारे कंट्री में बनाई जाती है। आज भी हम कंट्री में जो 70% 80% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, यूज़ करते हैं, वो किससे बनती है, सिर्फ और सिर्फ कोयले से ही बनती है। तो हमें ये ध्यान देने वाली बात है कि इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन और एक्सटेंसिवली अवेलेबल, ये क्या है, एडवांटेज है, फायदे हैं किसके, कोल के। देर आर टू एडवांटेजेस ऑफ कोल, नंबर वन इट इज एक्सटेंसिवली अवेलेबल, नंबर टू इट इज इफेक्टिव इन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। ये तो हमने बात कर ली फायदे की, है ना, ये बात कर ली हमने इससे क्या क्या हमें बेनिफिट हो रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके नुकसान क्या है। सबसे पहला नुकसान तो यही आपको देखने मिलेगा कि कॉजेज स्मोक, दैट इज पॉल्यूशन, दैट कॉजेज पॉल्यूशन ड्यू टू इमिशन ऑफ स्मोक, जी हाँ, इससे धुआं निकलता है। जब इसको हम जलाएंगे तो क्या निकलेगा, धुआं, और राख भी तो मिलेगी, तो धुआं भी होगा, राख भी होगा, जिससे क्या जनरेट होगा, पॉल्यूशन जनरेट होगा, इससे पॉल्यूशन होगा वातावरण में, दूषण प्रदूषण फैलेगा, इसको दूषित चीजें हवा फैलेगी, इससे हार्मफुल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैस निकलती है, जिससे क्या होता है एनवायरमेंट में पॉल्यूशन होने लगता है, ओजोन लेयर को खतरा होता है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है इससे, ठीक है। तो ये बात की हमने, तो सबसे पहला डिसएडवांटेज यानी कि इसका नुकसान क्या है, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो हमने इसके एडवांटेजेस पढ़े, इजीली अवेलेबल, है ना, इफेक्टिव इन इलेक्ट्रिसिटी मेकिंग, और दूसरा हम डिसएडवांटेज की बात कर रहे हैं, इससे क्या होता है, पॉल्यूशन होता है भाई, और ये हम जब जलता है तो उससे ऐश प्रोड्यूस होती है, राख, वो भी पॉल्यूशन करता है, राख का क्या करेंगे, है ना, वो भी पॉल्यूशन करता है, साथ ही साथ धुआं, जहरीली गैस निकलता है, जिससे हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचता है। दूसरी बात, बल्कि इन ट्रांसपोर्ट, बल्कि इन ट्रांसपोर्ट मतलब भाई ट्रांसपोर्ट करने में तो बहुत मुश्किल जाएगा ना, कोयला कैसे ले जाएंगे भर भर के, बोरी में इतना कोयला भर के लाएंगे उससे कितना एनर्जी जनरेट होगा, है ना, ज्यादा एनर्जी जनरेट होगा, बहुत सारा भर के लाना, ट्रकों में भर भर के लाना पड़ता है, जबकि सिलेंडर में देखो, हम सिलेंडर में थोड़ी सी गैस भरते दो तीन महीने चलती है, दो ढाई महीने तक चल जाती है, जबकि उतना अगर आप कोयला लेकर जाएंगे तो एक घंटे दो घंटे में जल के खत्म हो जाएगा, यानी कि ट्रांसपोर्ट करने में बहुत बल्कि है, ढेर सारा भर भर के, ये इसका डिसएडवांटेज है, यानी ढेर सारा कोयला रहेगा तो एनर्जी जनरेट होगी, और ढेर सारा कोयला एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में क्या बहुत मुश्किल है। आप देखिए इतने से सिलेंडर में कितना सारा कोयला भर लिया जाता है,
आप देखोगे सिलेंडर का जो ट्रक आता है वो कितना सारा एनर्जी उसमें स्टोर है। हम अपने घर में एक सिलेंडर लाते हैं छोटा सा, वो 10-15 किलो का, 10 किलो का, 12 किलो का, 14 किलो का जो भी रहता है, उससे हम क्या कर सकते हैं, 2-2 महीने तक खाना बना लेते हैं। जबकि वो अगर हम कोयले से खाना बनाने जाएंगे, अपना जो भी कुक फूड कुक करने जाएंगे, तो उतना कोयला तो पूछे मत, 1 बोरी कोयला तो हम 2 दिन में खत्म कर देंगे। जी हाँ, 1 बोरी कोयला जो हमारा 2 दिन खाना बनाने पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, 2-3, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। जबकि हमारा जो नेचुरल गैस है कितना ज़्यादा चलता है, यानी इसका जो एनर्जी प्रोड्यूस करने का रेट है कोल का, वो क्या है, कम है, यानी ज़्यादा अमाउंट पर लेकिन कम एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो ये हमने बात की कोल के एडवांटेज की और डिसएडवांटेज की, क्या है कि कोल एक्सटेंसिवली अवेलेबल है, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, डिसएडवांटेज की बात की पॉल्यूशन कॉज करता है, साथ ही साथ ये बहुत ही बल्कि ट्रांसपोर्ट करने में भारी है ना, बहुत सारा लेकर जाना पड़ता है। तो ये हमने बात की है कोल के एडवांटेज की और डिसएडवांटेज की। अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं पेट्रोलियम के बारे में। जी हाँ, पेट्रोलियम मतलब गाढ़ा ब्लैक कलर का जो लिक्विड होता है ना, उसको हम पेट्रोलियम बोलते हैं। पेट्रोलियम क्या का, पेट्रोल डीजल दूसरी चीज़ों का मिक्सचर होता है। जी हाँ, पेट्रोल डीजल गाढ़ा कलर का क्रूड ऑयल, कच्चा तेल जिसको बोला जाता है ना, जमीन से निकलता है, जमीन को खोदते हैं तो ब्लैक कलर का लिक्विड निकलता है, तेल के कुएं होते हैं, वही मिनरल ऑयल कहलाता है। क्या कहलाता है, मिनरल ऑयल, या फिर इसको सलाइन मिनरल ऑयल भी कहते हैं, क्योंकि समुद्र के पास निकलता है तो सलाइन मिनरल ऑयल है। तो उसी से क्या करते हैं, उसको रिफाइन करके उसमें से हम पेट्रोल अलग, डीजल अलग, केरोसिन अलग, उससे वैक्स भी मिलता है, पेट्रोलियम जेली जो हम लगाते हैं ना, वैसलीन पेट्रोलियम जेली, जी हाँ, वो भी उसी से निकलता है, उस काले लिक्विड से निकलता है, तेल में से ही। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं पेट्रोलियम में भी आती हैं, तो इसको हम और ज़्यादा डिटेल में पेट्रोलियम के बारे में डिस्कस करेंगे फर्दर वीडियोज़ में। तो स्टूडेंट्स, आज हमने बात की है कोल के बारे में, साथ ही साथ हमने देखा कि कोल क्या है, उसके फायदे क्या हैं, कैसे इस्तेमाल होता है, हमने भी देखा कि कौन से कंट्री जो है लीडिंग प्रोड्यूसर से कोल की, हमने देखा कि इंडिया का थर्ड रैंक आता है कोल प्रोडक्शन में, हमने कोल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात की, कैसे कोल का एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, दो एडवांटेज की एक्सटेंसिव अवेलेबल है, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी में बहुत इफेक्टिव है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में एडवांटेज देखा, पॉल्यूशन कॉज करता है, साथ ही बहुत भारी है, बल्कि ज़्यादा है ट्रांसपोर्ट करने में, ये भी हमने बात की। जी हाँ, और हमने पेट्रोलियम का इंट्रोडक्शन भी देखा कि पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, उसे सलाइन मिनरल ऑयल भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, आई होप ये वीडियो अच्छा आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपके डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, आप नोट्स प्रिपेयर करते चलिए, और ये चैप्टर पूरा साइंस से रिलेटेड है, बार बार हम बोल रहे हैं कि ये आपके साइंस के कई पोर्शन से पूरा रिलेटेड है, तो आप पढ़ कर रखें तो आपको साइंस भी बहुत आसानी से याद हो जाएगा। इसी तरह देखते रहिए हमारा चैनल विद्या स्थली वाले सर।